नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरीके के ऑर्डर टाइप क्या होते हैं, अपस्टॉक्स में उसे कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं अपस्टॉक्स में। जैसे ही आप अपस्टॉक्स में लॉग इन करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट में से किसी भी स्टॉक को आपको जिसमें बाय करना है या फिर सेल करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बाय का ऑर्डर सिलेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे बाय में जाना है। जैसे ही हम बाय में जाएंगे तो हमें सीधे यहाँ पे ऑर्डर टाइप पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी चीजें तो आप देख ही सकते हो कि आप इंट्राडे, क्वांटिटी, प्राइस, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, वैलिडिटी और डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। लेकिन आज पर्टिकुलर हम ऑर्डर टाइप के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले जो है लिमिट है। तो लिमिट क्या होता है दोस्तों? लिमिट ऑर्डर वो होता है जिसमें आपकी प्राइस के हिसाब से स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 304, जैसे कि स्टॉक में अभी हम एग्जांपल अगर स्टॉक का ले लें तो इसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 304.60, लेकिन आपको ये स्टॉक बाय करना है 303 में, तो आप यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट करोगे और आपका प्राइस वहाँ पे 303 वहाँ पे ऑर्डर आपका प्लेस कर दोगे। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, आपके प्राइस के हिसाब से आप स्टॉक वो बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल है, उस प्राइस पे आपका या तो स्टॉक बाय हो जाएगा अगर आप बाय कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस प्राइस पे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो ये मार्केट में अवेलेबल प्राइस के हिसाब से वो प्राइस पकड़ के बाय या सेल कर देता है। तीसरा है दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, आप अगर कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं या कोई स्टॉक सेल कर रहे हैं तो वहां पे आप एक ट्रिगर प्राइस स्पेसिफाई कर देते हैं। मान लो आपने ये टाटा मोटर का अभी जो एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसमें चल रहा है प्राइस 30.45, तो आप बाय प्राइस लगा देते हो 303 का, लेकिन आपको ट्रिगर प्राइस लगाना है कि इस प्राइस के नीचे आने के बाद मेरा मार्केट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके ऊपर एग्जीक्यूट होना चाहिए, मैं उससे ज्यादा लॉस यहाँ पे सहन नहीं कर सकता। तो वह आप यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 303 में बाय ऑर्डर लगा देते हैं और स्टॉप लॉस मार्केट सिलेक्ट करके आप 300 पे, मतलब 300 रुपए पे आप एक ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं कि आप चाहते हैं कि 300 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक आ जाए तो आप उसमें सेल करना चाहोगे, आप उस स्टॉक में नहीं रहना चाहोगे। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही आपका 300 रुपए का प्राइस ट्रिगर हो जाता है तो उस वक्त मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है उस प्राइस पे आपका स्टॉक सेल हो जाता है। मान लो 300 रुपए ट्रिगर हो गया और उस वक्त प्राइस चल रहा है 299.80, तो आपका जो स्टॉक है वो 299.80 पे सेल हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस मार्केट। उसके बाद होता है स्टॉप लॉस लिमिट। जैसे स्टॉप लॉस मार्केट में आप एक ट्रिगर प्राइस लगाते हैं तो आप स्टॉप लॉस लिमिट में दो ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं। आप एक सिलेक्ट लिमिट प्राइस लगा देते हैं और ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं। जैसे हमने स्टॉप लॉस मार्केट में 300 रुपए की ट्रिगर प्राइस लगाई दी थी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक उसके नीचे भी एक लिमिट प्राइस लगा देते हैं कि अगर 300 क्रॉस हो गया तो स्टॉक अगर 298 तक आ जाएगा तो ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। पहले ऑर्डर में क्या था कि मार्केट में अवेलेबल जो प्राइस था उसके ऊपर आपका स्टॉक सेल हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, और 2 रुपए का लिवरेज मिल गया और आपका स्टॉक अगर 298 तक आएगा तो ही आपका वो स्टॉक बिक जाएगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है कि 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको वहां पे खड़े रहने का एक चांस मिल जाता है कि अगर 299 पे से स्टॉक रिवर्स हो गया तो आपका 298 तो हिट नहीं हो जाएगा, तो आप बच जाओगे और उसके ऊपर चला जाएगा फिर प्राइस। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या हो गया था कि जैसे ही 300 ट्रिगर हो गया मार्केट में अवेलेबल प्राइस पे आपका स्टॉक सेल हो गया, यहाँ पे आपको एक और कुशन मिल गया 298 तक। तो स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ पे दो ट्रिगर प्राइस के बीच का प्राइस होता है, वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वो एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये था दोस्तों वीडियो कि ऑर्डर टाइप क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर टाइप क्या होते हैं अपस्टॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।